जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के द्वारा विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं राजधानी दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास कार्य के पास, जिसमें पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह तोमर ने एक महत्वपूर्ण उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन के दौरान क्या हुआ और कैसे यह कार्य नागरिकों के बीच बड़ा महत्व रखता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस खबर की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूँ रामपुरा में, और यहाँ पर उद्घाटन करने पहुँचे जितेंद्र सिंह तोमर साहब। सर, क्या उद्घाटन किया जाए यहाँ पर? देखिए, ये हमारा पंडित लेखराम शर्मा मार्ग है, जो रामपुरा टी पॉइंट से शुरू होकर जो हमारा अशोका पार्क मेट्रो स्टेशन है, रोहतक रोड है, वहाँ तक जाता है अंडरपास के नीचे से गुजरते हुए। तो इस सड़क को हमने बनाया है अभी, उसका उद्घाटन करने यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और बहुत दिनों से सड़क बनी थी। जब मैं पहली बार 2015 में जब मैं विधायक बना था, तो सबसे पहले जब मैं यहाँ वोट मांगने आता था, तो ये जो सड़कें थी ना, इस पर 6-6 इंच के गड्ढे थे। तो मैंने ये तय किया था कि अगर मुझे लोगों ने मौका दिया, सबसे पहले सड़क बनाऊँगा। और मैंने सबसे पहला काम अगर कोई किया था 2015 में विधायक, तो ये सड़क बनाई थी। और क्योंकि अब इसको 9 साल हो गए थे, 9 साल, तो दोबारा सड़क खराब हो गई थी, अब दोबारा बनाया सड़क। G20 को लेकर सर पूरा दिल्ली सज चुका है, आपके क्या प्रतिक्रिया है? बहुत खुशी की बात है, दिल्ली को हम सब ने मिलकर सजाया है। जहाँ जिसका अधिकार क्षेत्र है, जहाँ NDMC का एरिया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, उन लोगों ने वहाँ सजाया है। जो तमाम दिल्ली में जो लोक निर्माण विभाग का क्षेत्र है, वो हमने सजाया है। जो नगर निगम का क्षेत्र है, वो हमने सजाया है। तो हम सब ने मिलकर पूरी दिल्ली को अच्छे से सजाया है। और बड़े गर्व की बात है कि इस बार G20 का जो अध्यक्षता है, वो भारत कर रहा है। इस पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई। और ये एक सिस्टम है, ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये 20 देशों का ग्रुप है एक, जिसकी हर साल कोई ना कोई देश अध्यक्षता करता है। ब्राज़ील में हो चुका है, इंडोनेशिया में हो चुका है, चाइना में हो चुका है, वियतनाम में हो चुका है, जहाँ जहाँ हो चुका है अभी। और अब हमारा नंबर है शायद, तो हम लोग जो है अध्यक्षता कर रहे हैं, अगली बार किसी और का नंबर आएगा, वो करेगा। तो ये बहुत खुशी की बात है पूरे देश के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, कि तमाम जो 20 बड़े बड़े देश हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं दिल्ली को देखने के लिए। अच्छी कुछ बातें होंगी, कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ विदेश नीति पर चर्चा होगी, कुछ व्यापार पर चर्चा होगी, तो अल्टीमेटली देश को लाभ मिलेगा इससे। हमारे भाई साहब, हमारे विधायक जितेंद्र सिंह तोमर राष्ट्रीय कानूनी मंत्रालय में पूर्व मंत्री रहे हैं। इन्होंने, हमारे भाई साहब ने पूरी त्रिनगर के लिए जितनी भी बड़ी सड़कें हैं, 10.5 करोड़ रुपए के टेंडर पास करा के सारी सड़कें नई डेंस्ड कारपेट नई बनवाने का फैसला किया है। और जितनी भी टूटी सड़कें हैं, सबको दोबारा नया कर देना है, नई बना देनी है, रिपेयर नहीं करनी, नई बना देनी है। और किसी चीज़ में जवाब नहीं है, लाइट हो, डिवाइडर हो, पोल हो, नाली हो, सड़क हो, जाली हो, जो भी मल्टीपर्पज़ सारे काम, चाहे वो सीवर के हैं, चाहे वो जाली के हैं, चाहे वो MCD के हैं, हर तरीके का कार्य। और सबसे बेहतरीन कार्य ये हुआ है कि MCD में अब स्वच्छ दिल्ली जो अभियान चलाया, बहुत बढ़िया, जहाँ पर 24 घंटे के अंदर जहाँ भी कोई कूड़ा करकट गंदगी जो भी होगी, उसकी सफाई करने का बीड़ा उठाया 24 घंटे में। तो ये बहुत बड़ी जो है पहल करी हमारे विधायक जी ने, और हमारी इस त्रिनगर वार्ड को चमकाने का प्रण और बीड़ा उठा रखा है। पंडित जी, राम राम जी, राम राम भाई साहब, आपके खिलावाचार्य देख के बड़ी खुशी हो रही है। आप हर एक जगह यहाँ पे जो काम कर, कहीं पे भी काम होता है, वहाँ पे आप सब पहुँच जाते हैं, चाहे अच्छा काम हो रहा हो चाहे बुरा काम हो। बुराई को भी जो है अच्छी तरह दिखाते हैं, और अच्छाई को तो दिखाते हैं। यहाँ पे जो है पहले बड़ा ट्रैफिक का जाम रहता था, लोग बाग जो है आपस में झगड़ लिया करते थे। तो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक ने इसी से संज्ञा लिया, यहाँ पे जितने भी बिजली के पोल थे, सीवरेज था, और रामपुर अंडर पास वगैरह सबको ध्यान दे करके जो है उनको पहले किया, उसके बाद डार्केट पिंड का तार कोल का बनाया है। अब यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली सारा ट्रैफिक चल रहा है। आप देख रहे हैं जो लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसके लिए हम खुश हैं, कामों से हम तो बहुत खुश हैं। मैं एक जगह और बैठा था, वहाँ पे भी उन्होंने विधायक साहब ने बताया कि जितनी भी जगह पुराने बस स्टैंड से है, और अंदर जो जितने भी बड़े रोड हैं, सबको जो है रिसाइकिलिंग अच्छी तरह से बना के दिया जाएगा। तो हम जो है उनकी बातों से खुश हैं। और उन्होंने बताया था मेरे को टेंडर के नोट वो पेपर भी दिखाए दे, वो हमेशा जो भी काम कहते हैं कर ही देते हैं। सफाई व्यवस्था ही कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ पे रामपुरा? मेरा नाम प्राणी नौरंग खारी है, मैं रामपुर गांव के प्रधान का पोता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इस हमारे गांव में बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था, विधायक जी के काम से बहुत खुश हैं हम।
रामपुरा अंडरपास का सबसे पहले कर रहे हैं। मैंने विधायक जी से कह के करवाया, यहाँ बहुत बुरा हाल रहता, सड़कें टूटी रहती थी, लाइटें नहीं थी उसमें, और क्या दोनों तरफ सड़कों पे गड्ढे थे, उसमें कोई महिला बहन बेटी निकल नहीं सकती थी। इनके प्रयास से रामपुर बहुत सुंदर अब काम हुआ, हम इनका बहुत कुछ हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे फादर के नाम से जो सड़क आज से करीब 13 साल पहले नॉमिनेशन हुआ था पंडित लेखराम शर्मा मार्ग के नाम से, इस सड़क पे उन्होंने इसमें दोबारा से सड़क बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी सड़क बनवाई है, तो मैं आप सबके माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पिता के नाम से सड़क है, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष किया है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज उनको देवलोक किए हुए 17 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्र की जनता में उनकी एक इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है। तो हमारे परिवार की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता का धन्यवाद। सफाई व्यवस्था तो जो अब MCD में जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ है तो थोड़ा सा उसमें मेरे को लगता है कि फ़र्क है, कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जो क्षेत्र की समस्या है, देखो काम कभी ख़त्म नहीं होता, काम निरंतर चलता रहता है, और जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं, अपने कार्य में लगे रहते हैं और लगातार वो जनता की सेवा कर रहे हैं। तो देख रहे हैं लोग भी खुश हैं जितेंद्र सिंह तोमर के कामों से, विधायक प्रीति तोमर के कामों से। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।